गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। ओके, तो हमारे पास में टोटल बल्ब्स हमें दिए हैं 20। ओके, और उसमें से जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो हमें दिए हैं 4। ओके, तो गुड बल्ब्स हमें दिए हैं 16। गुड बल्ब्स हमें कितने दिए हैं, 16 बल्ब्स गुड हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। हमें डिफेक्टिव बल्ब्स लेने हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल हमें जो बोले गए हैं कि हमें डिफेक्टिव लेने, तो हमारे फेवरेबल कौन से होंगे, डिफेक्टिव ही होंगे। ओके, तो डिफेक्टिव आउट फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 4। ओके, और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 4 हैं। तो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट। ओके, सो 4 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 1/5। ये हमारा आंसर हुआ फ्रेंड्स। ओके, चलिए अभी सेकेंड में भी हमें कुछ बोला गया है, देखते हैं क्या बोलते हैं। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। समझ लो, हमने जो ये 4 लिए, हमें सपोज करना है कि हमने जो बल्ब लिया वो कौन सा है, नॉन डिफेक्टिव, यानी गुड बल्ब्स लिया है हमने। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। देखिए क्वेश्चन को समझिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। यानी हमने जो बल्ब लिया है वो बहुत ही अच्छा बल्ब है, गुड बल्ब्स है, 16 में से हमने एक बल्ब चूज कर लिया है। ओके, और वो बल्ब कैसा है, नॉन डिफेक्टिव है, उसे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम, वापस से उसे पुट नहीं कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये सब। तो देखिए यहाँ पे अब उसे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, यानी गुड बल्ब्स हमारे पास में हो गए -16, क्योंकि उसे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ओके, टोटल बल्ब्स हमारे पास में कितने हो गए, 20 थे, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ, 19 हुआ। ओके, अब हमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव मीन्स गुड वन, गुड बल्ब्स। ओके, तो पी ऑफ ई यहां पर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ओके, फेवरेट आउटकम्स हमारे पास में 15 है, टोटल आउटकम्स हमारे पास में 19 है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9। ओके, हमारे पास में एक डिस्क है और उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से टोटल कितनी है 90 दी हुई है हमको। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास में हो गए 90 हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए फ्रेंड्स, 90 हो गए। अब देखिए, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, रैंडमली हम एक डिस्क उससे चूज करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2-digit number। अब हमें लिखना है अ 2-digit number।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 to 9 ये हमारे वन डिजिट नंबर है, और बाकी के जितने भी हमारे 10 से लेकर 90s तक होंगे वो हमारे टू डिजिट नंबर होंगे। हमारे पास में टोटल नंबर कितने हैं 90, उसमें से 9 वन डिजिट नंबर हम माइनस करेंगे तो बाकी के, तो देखो यहाँ पे होंगे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर 90 है उसमें वन डिजिट के देखिए काउंट कीजिए, 1 to 9 में कितने हुए 9 हुए, तो टू डिजिट नंबर हम यहाँ पे टू डिजिट नंबर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, तो बाद में लिखते रहेंगे। यहाँ हम लिखेंगे टू डिजिट नंबर, टोटल 90 है उसमें वन डिजिट माइनस करेंगे, टोटल आउटकम्स हमें कितने मिलेंगे 81 मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हुआ 81, टोटल आउटकम्स हुआ 90, 81 अपॉन 90 मीन्स हो जाएगा 9 9 जा देन 9 10 जा कट हो गया, तो 9 अपॉन 10 ये भी आंसर लिख सकते हैं, और आप 0.9 भी इसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड हमें क्या बोला गया है, सेकंड हमें बोला है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमारे आते हैं 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 देन 9 का 81, 10 का 100 होता है लेकिन यहाँ 90 डिस्क है इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल नंबर कितने हुए 9 हुए। ओके, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आएगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ओके, तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में कितने हैं 9 है, अपॉन में कितना लिया है 90 लिया है, तो 9 1 जा देन 9 10 जा कट करो, 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0.1 ये हमारा आंसर हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें थर्ड ऑप्शन हमें बोला गया है अ नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो चलो 5 से डिवीजन कर सके ऐसे नंबर कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, then 90। ओके, तो काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 टोटल नंबर कितने हुए फ्रेंड्स 18 नंबर्स हुए हमारे पास में जो 5 से डिवाइड कर सकें। चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए, यहाँ आएगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना हुआ 18 डिवाइडेड बाय 90, तो 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया फ्रेंड्स 0.2। ओके, 18 5 90 होता है इसलिए हमने यहाँ पे कट करके 5 लिखा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला गया है अ चाइल्ड हैज अ डाइस विथ सिक्स फेसेस सो द लेटर एज गिवन बिलो। और जो लेटर्स दिए हुए हैं हमें दिए हुए हैं ए बी सी डी ई देन ए। ओके, तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में, टोटल आउटकम्स दिए हुए हैं सिक्स दिए हुए हैं। ओके, अब हमें क्या बोला है द डाई इज थ्रोन वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, गेटिंग ए। तो ये देखिए कितने टाइम्स हैं, टू टाइम्स हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू टाइम है, तो फॉर्मूला पुट कीजिए फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमें लिखा हुआ है डी, गेटिंग डी। डी कितने टाइम है, वन टाइम है। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे फेवरेबल आउटकम्स देन टोटल आउटकम्स, तो यहाँ हो जाएगा 1 और टोटल डाइस में कितने होते हैं 6, तो यहाँ पर हो गया 1/6। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। 20 नंबर का जो सम है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए उसे अपने नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आगे बढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ कंजिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। एंड द अदर आर गुड, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it and she will not buy it? तो यहाँ पे देखिए जो बॉल पेन्स हैं, टोटल बॉल पेन्स कितनी हैं, वन फोर्टी फोर। टोटल बॉल पेन्स हमें दी हुई हैं 144 माइनस डिफेक्टिव पेन्स हमें दी हुई हैं 20 और गुड बॉल पेन्स हमें दी हुई हैं 124। गुड बॉल पेन्स हमें दी हुई है 124। ओके, तो देखिए यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमारे मिल गए 144। अब सबसे पहले हमें बोला गया है कि नूरी उसी पेन को खरीदती है जो क्या हो, अच्छे हो, गुड हो। ओके, और खराब पेन को वो खरीदती नहीं है। तो सबसे पहले लिखा सी विल बाय इट, सी विल बाय इट। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। ओके, फेवरेबल आउटकम्स होंगे 124 और टोटल आउटकम्स होंगे 144। ओके, चलिए 4 से अब इसको कट करते हैं अपने। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1, देन 4 से कट करेंगे तो 144 डिवाइडेड बाय 4 थ्री ज़ा 36। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 31 डिवाइडेड बाय 36 हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, इसी के अंदर हमें पूछा गया है कि सी विल नॉट बाय इट, सी विल नॉट बाय इट। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी ई नॉट ई,
ये e है तो ये नॉट e होगा क्योंकि बाय नहीं कर रही है, तो 1 माइनस पी ऑफ e 1 माइनस 31 अपॉन 36, तो यहाँ हो गया 36 माइनस 31, तो यहाँ हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 36, 5 इज डिवाइडेड बाय 36। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश हुआ, आगे का जितने सम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।